सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका अली द टेक्निकल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ नए और पुराने वर्जन के सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT और PWM। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 एम्पियर का, ये पुराने वर्जन का है। इसमें जो है LED डिस्प्ले होगा, LED यहाँ पर 3 LED दी गई है, यानी कि 1, 2, 3, यानी ये सब जो है बैटरी लेवल को जो है शो करता है। इधर आपका लोड के लिए LED है और ये चार्जिंग, जब चार्ज करेगा तो ये भी लिंक करेगी। और यहाँ पर आपको जो है टर्मिनल दिए हैं बैटरी के लगाने के लिए। चलिए अब हम दूसरा चार्ज कंट्रोलर देखते हैं इसमें का। तो देख पा रहे हैं ये एक, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसकी LED इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है सारे। ये दो वायर जो है सोलर पैनल के लिए, ये बैटरी के लिए, और ये हैं लाइट के लिए, सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए, और ये इसका सेंसर है। ये दोस्तों ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन करने का कहीं से भी कोई स्क्रू नहीं लगा है, तो ये वाटरप्रूफ है। तो हम दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं स्मार्ट डिस्प्ले वाले। तो दोस्तों ये जो है डिस्प्ले टाइप के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं PWM, सेम सेम इसका सबका जो है काम एक जैसा ही है। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आप देख सकते हैं अभी ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 30 एम्पियर का, और ये भी एक मॉडल है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो दोस्तों ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये देख सकते हैं आप 30 एम्पियर का। यहाँ आपको जो है टर्मिनल मिल जाते हैं, ये आपके जो है प्रोग्रामिंग के लिए जो है यहाँ पर स्विच दी गई हैं, और ये LCD है इसके। और ये भी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है MPPT 20 एम्पेयर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके जो है इंस्ट्रक्शन गाइड में, ये 20 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और दोस्तों एक ये भी है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये 30 एम्पियर का है। तो दोस्तों जो MPPT और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, उसमें ये फ़र्क होता है कि जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, पैनल से जो वोल्टेज मिलता है उसको बैटरी के अकॉर्डिंग रेगुलेट करके चार्ज करता है। लेकिन जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो जो है उसके अंदर बूस्ट और बक कन्वर्टर होता है, जो कि जो है वोल्टेज को बूस्ट भी कर सकता है और बक करके चार्ज करता है, लेकिन पावर को जो है लॉस नहीं होने देता है। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है में पावर का लॉसेस होता है, लेकिन जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें पावर का लॉस नहीं होता है। आपकी बैटरी जो है फुल पावर पर चार्ज होती है, जितना भी पैनल से आपको पावर मिल रहा है वो पूरा जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। इसमें आप जो है सीरीज लगाने का जो है कई पैनल को सीरीज में लगा सकते हैं, लेकिन जो है PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको जो है दो पैनल से ज़्यादा आप सीरीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीरीज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, आप जो है वोल्टेज बढ़ जाता है तो जो है पावर का लॉसेस होता है। ओके दोस्तों, तो ये हाँ हमने आपको दिखाया MPPT और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो मार्केट में बहुत तरीके से बहुत डिज़ाइन के जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल हैं, ऐसा कि आप देख सकते हैं। ये अभी जो है आपको जो है ऑनलाइन भी मिल जाएगा इस तरीके का सोलर चार्ज कंट्रोलर। ओके दोस्तों चलिए ठीक है, हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर के इंटरनल पार्ट के बारे में। ओके दोस्तों, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।